बबल्स लाइव सुप्त वज्रासन। पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। अब कोहनियों की मदद से धीरे धीरे पीछे झुकें। अपने सिर को पीठ की तरफ खींच लें ताकि आपकी पीठ कमान की तरह बन जाए। अब अपने दोनों हाथ कोहनियों से मोड़कर अपने सर के ऊपर से जमीन पर टिका दें। इस अवस्था में कुछ समय रहकर पूर्व अवस्था में लौट आइए। इस आसन से पीठ लचीली होती है। इसे करने से आपके कमर की चर्बी दूर होती है, सीना चौड़ा होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। इस आसन को खाने के तुरंत बाद न करें। कमर दर्द वाले योग शिक्षक की सलाह लेकर ही इसे करें। अगर घुटनों में दर्द है तो इस आसन को न करें। फिश फेस पोज। अपने दोनों गालों को अंदर की तरफ खींच लीजिए। अब आपके होठ का आकार मछली की मुंह के जैसा दिखाई देगा। इस अवस्था में थोड़ी देर रहिए और पूर्व अवस्था में लौट आइए। इसे कम से कम 10 बार दोहराइए। इस आसन के फायदे। गालों की चर्बी कम हो जाती है। ये आसन झुर्रियों को रोकता है। इससे चेहरे की मांसपेशियों में कसाव आता है। आई फोकस। अब हम देखेंगे आई फोकस योगा कैसे करना है। ये बैठकर या खड़े होकर भी कर सकते हैं। अपनी आँखों को जितना हो सके उतना बड़ा कीजिए। अब अपने अंगूठे और तर्जनी की सहायता से आँखों के कोनों को खींचिए। अब सामने की ओर फोकस करें। इस अवस्था में कुछ समय रहकर पूर्व अवस्था में लौट आएं। इस प्रक्रिया को आप अपनी सुविधा अनुसार दोहराएं। आई फोकस के फायदे। ये आसन आपके आईब्रोज को सुंदर बनाता है। इसे करने से आपकी आई साइट अच्छी होती है। लिप्स पुल। सुखासन में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। कंधों को सीधा रखिए। अब अपने निचले होठ को बाहर की तरफ खींचिए। ये करते समय आपके गले के निचले हिस्से में खिंचाव महसूस होना चाहिए। धीरे से पूर्व अवस्था में लौट कर इसे दोबारा दोहराइए। आप इसे अपनी सुविधा अनुसार दोहरा सकते हैं। लिप्स पुल के फायदे। आपके जबड़े के बाहरी हिस्से पर जमी चर्बी हटाता है।
डबल चिन की समस्या दूर करता है। जॉ रिलीज। सुखासन में बैठकर अपनी पीठ बिल्कुल सीधी रखिए। अब अपना जबड़ा पूरी तरह खोलकर बंद कीजिए। अब जबड़े को इस तरह हिलाएं जैसे कि आप खाना खा रहे हैं। एक बात का ध्यान रखिए, पहले आप सिर्फ दाहिने बाजू से खाना चबाने का आभास करें। कुछ समय बाद आप बाएं बाजू से खाना चबाने का आभास करें। इस बीच आप सांस लेते रहें। जॉ रिलीज के फायदे। आपके जबड़े की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा करता है। डबल चिन की समस्या को दूर करता है। चेहरे के निचले हिस्से की चर्बी को दूर करता है। चिन लिफ्ट। प्रथम सुखासन में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। दोनों गालों को अंदर की तरफ खींच लीजिए। अब आपकी होठों का आकार मछली की मुंह के जैसे दिखेगा। अब अपनी गर्दन ऊपर उठाकर पीछे की ओर ले जाएं। इस अवस्था में कुछ देर बने रहिए, फिर गर्दन को धीरे से नीचे लाकर पूर्व अवस्था में लौट आइए। आप इसे 10 बार कर सकते हैं। चिन लिफ्ट पोज के फायदे। डबल चिन की समस्या दूर करता है। गले पर पड़ने वाली झुर्रियों को भी दूर करता है। गर्दन सुडौल बनाने में मदद करता है। चिक अपलिफ्ट। ये आसन आप बैठकर या खड़े होकर आसानी से कर सकते हैं। अब चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लाइए। अब अपनी दोनों तर्जनी की मदद से अपने गालों को ऊपर उठाइए। इस पोज में कुछ समय रहकर पूर्व स्थिति में लौट आइए। आप इस पोज को कई बार दोहरा सकते हैं। चिक अपलिफ्ट के फायदे। गालों पर पड़ने वाली झुर्रियों को दूर रखता है। गालों के ऊपर जमने वाली चर्बी दूर भगाता है। गालों को सुंदर बनाता है।
चिन लॉक पोज, जालंधर बंद। सबसे पहले सुखासन में बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखिए। अपने शरीर को सीधा रखिए और गहरी सांस लेकर सांस रोकिए। अब अपनी गर्दन झुकाकर चिन की हड्डी के नीचे जो छाती का भाग है उसे स्पर्श कीजिए। सांस को थोड़ी देर तक रोक लीजिए अपनी सुविधा अनुसार। अब धीरे से सिर उठाकर पूर्व स्थिति में लौट आइए। इस आसन के फायदे। ये आसन गले के रोगों को दूर करने में मदद करता है। गर्दन की मांसपेशियों में रक्त संचार ठीक ढंग से होता है। रीढ़ की हड्डियों में खिंचाव पैदा करता है। सावधानियाँ। सांस को सिर्फ उतनी देर तक रोकना जितनी देर आसानी से संभव हो। गले में दर्द हो या कोई और तकलीफ हो तो ये आसन ना करें। बलपूर्वक इस आसन को ना करें। ब्लोइंग एयर। ये आसन आप बैठकर या खड़े होकर कर सकते हैं। इसे करते समय आपके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अपने सिर को पीछे झुकाएं, ऊपर की तरफ देखें, अपनी आंखें छत पर केंद्रित करें, अपने मुंह में हवा भरकर होंठ बाहर की तरफ निकालें और धीरे धीरे हवा को छोड़ें, जैसे कि आप किसी गुब्बारे में हवा भर रहे हों। इस क्रिया को आप 10 बार दोहरा सकते हैं। हवा बाहर फेंकने वाले फेस योगा आसन के फायदे। डबल चिन की समस्या से मुक्ति। गले में खिंचाव के कारण झुर्रियां नहीं होंगी। माउथ वॉश योगा पोज। ये आसन करने के लिए आप सुखासन में बैठ जाइए। अब अपने गालों में हवा भर लें। हवा को एक गाल से दूसरे गाल में घुमाइए, जैसे कि आप कुल्ला कर रहे हो। इसे कुछ समय तक करते रहें, फिर थोड़ी देर रुक कर दोबारा कीजिए। इस आसन के फायदे। ये डबल चिन की समस्या दूर करता है। आपके गालों को टोंट करता है। चेहरे की चमक बढ़ाता है। जबड़े की हड्डी को मजबूत करता है। नेक रोल पोज योगा। प्रथम सुखासन में या पद्मासन में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। कंधों को तान कर सीधे रखिए। अब अपनी गर्दन को घड़ी की दिशा में घुमाइए। अब अपनी गर्दन घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाइए।
नेक रोल योगा के फायदे। ये डबल चिन की समस्या को दूर करता है, गले की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, गले पर पड़ने वाली झुर्रियों को दूर रखता है। अगर गर्दन में दर्द हो तो इस आसन से दूर रहे। पद्मासन। जमीन पर बैठकर दोनों पैरों को सामने रखिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखिए, सांस अंदर लेते हुए एक पैर को दूसरी जांघ पे ले आए। यही प्रक्रिया दूसरे पैर के साथ दोहराएं। अब आप पद्मासन में हैं। आप जब तक चाहें इस आसन में बैठ सकते हैं। ये आसन मन को शांत करता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। पद्मासन से मन में स्थिरता आती है। पद्मासन पेट की चर्बी कम करने में मदद करता है। अगर घुटनों में दर्द हो तो ये आसन ना करें। कमर दर्द वाले इस आसन से दूर रहिए। शवासन। शवासन। जमीन पर चटाई बिछाकर पीठ के बल लेट जाएं, हाथों को शरीर के 4-5 इंच की दूरी पर रखें, पैरों के बीच 1 फीट की दूरी रखें। अब अपने शरीर को ढीला छोड़कर आंखें बंद कर लें, हल्की हल्की सांस लें। सारा ध्यान अपने सांस पर केंद्रित करें, मन में किसी प्रकार का विचार न लाएं। नियमित शवासन से आप हाई बीपी से दूर हो सकते हैं। शवासन स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, ये मन की बेचैनी को दूर करता है, शरीर से थकान भगाता है। शवासन करते वक्त आपका शरीर पूरी तरह से ढीला होना चाहिए, आपकी आंखें बंद हों। ये बेहद सरल आसन है, इसे कोई भी कर सकता है। Pebbles Live।